मसूरी का ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट पार्क शासन की अनदेखी के कारण अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। शासन प्रशासन की ओर से इस पार्क के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए कई प्रस्ताव बनाए गए, लेकिन अभी तक कोई योजना जमीन पर नहीं आ पाई है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले पर्यटक भी इस पार्क की बदहाली देखकर मायूस हैं। जगह जगह कूड़ा फैला है, यहाँ ना तो शौचालय है ना ही पेयजल की व्यवस्था है। पार्क तक आने वाली सड़क का हाल ऐसा है जैसे सड़क गड्ढों में है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बातें तो कर रही है, लेकिन इस पार्क की स्थिति को देखकर लग रहा है कि सिर्फ बात हो रही है, काम नहीं हो रहा है। प्लेस यहाँ ठीक है, ऊंचाई अच्छी है, पर्यटकों को आना अच्छा लगता है, पर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ रोड्स जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हालात में है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक ठाक हालात में यहाँ ऊपर तक पहुंच सकता है। हमें मालूम है हम कैसे गाड़ी वहाँ पार्क कर आए हैं, तो कई बार तो हमें ऐसा लगा कि हम खाई में जाएंगे। तो सरकार को थोड़ा ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया स्थल है ना, जहाँ आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलो, पर मूलभूत सुविधाएं भी तो नहीं है। नहीं, मूल सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह नहीं देखने को मिली, कुछ अच्छा अरेंजमेंट्स नहीं हमें मिला यहाँ देखने को, सरकार जो कि होना चाहिए था, क्योंकि हम इतने लोग इतनी दूर से आते हैं, इसका हमने नाम सुना है, आजकल नेट पे सर्च कर हम आते हैं, तो यहाँ तक जब पहुंचे तो ठीक है, वो बहुत बढ़िया प्लेस है, बट आने के लिए जाने के लिए सुविधा बिल्कुल जीरो है। और इन्हीं खबरों के साथ अर्बन अपडेट में इतना ही, बने रहिए लाइव टुडे के साथ।